घनमीटर, इसका पूरा स्केल आप ये देखिए कि जब ये अनयूज्ड है, कहीं भी सर्किट में नहीं लगा हुआ, करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो पॉइंटर सीधे सीधे बीच में जीरो पर है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं सेल लगाता हूं इस पर, ये दो टर्मिनल हैं इसके। पॉजिटिव टर्मिनल वो होता है किसी भी मीटर पर जिसमें आपको, जिस टर्मिनल को आपको टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगवाना पड़ता है, यानी ये सिरा बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। बीच में भले रेजिस्टेंस आ जाए, कुछ और आ जाए, लेकिन ये कहां जाना चाहिए? बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर। ये कहां जाना चाहिए? नेगेटिव सिरे पर जाना चाहिए। वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर की मिस्टेक है, उसे पता ही नहीं कि मैं क्या बना रहा हूं, उसने प्लस में प्लस माइनस बना दिए। गैल्वेनोमीटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता। इसे आप बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, इसे निगेटिव से जोड़ दीजिए, या इसे निगेटिव से जोड़ दीजिए, इसे पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है गैल्वेनोमीटर में। लेकिन वोल्ट मीटर में, एम्पियर मीटर में अभी हम देखेंगे, उसमें पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। अब देखो ध्यान से, आप एक सेल है, ये देखिए, पहले मैं ऐसे कर रहा हूं कि ये वाला सिरा, लाल वाला सिरा मैं सेल के पॉजिटिव से जोड़ रहा हूं, और ये काला वाला सिरे से जो तार बांध रखा है ये निगेटिव से जोड़ रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, आप देखिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करूंगा वरना फिर जाएगा, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, हो रहा है ना। इसी बात में रोकूंगा तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। हो रहा है डिफ्लेक्शन एक साइड में। अब ध्यान से देखिए, यही मैं अपने हाथ में सेल को पलट देता हूं, और अब देखिए डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अब डिफ्लेक्शन कहां है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, करेक्ट। यही सेल को मैं उल्टा कर देता हूं हाथ में, देखिए, और अब डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन बताया था कि किस कहां से कहां चल रही है। मैग्नीट्यूड भी बताया था, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए आपको लिखा हुआ है, देखो रीडिंग भी लिखी हुई है ना इसके ऊपर 0.20, और यहां नीचे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, इस पर लिखा हुआ है 20 न्यू ए पर डिवीजन, लिखा है ना 20 न्यू ए पर डिवीजन। इसका मीनिंग यह है कि आपकी मिडिल अगर एक डिवीजन आगे जाती है, आपकी जो मिडिल अगर जीरो से एक डेसिमल एक डिवीजन आगे पहुंचती है, तो इसका मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर 10 डिवीजन आगे चली गई तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 10 × 20 माइक्रो एम्पियर। हालांकि गैल्वन करंट मेजर करने के लिए हम यूज नहीं करते, गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करते कभी भी, एम्पियर मीटर यूज करते हैं। जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट बोलते हैं उसे, जहां बिना करंट के सुई रेस्ट करती है, जहां सुई आपकी मिडिल ये पॉइंटर में जहां रेस्ट किया हुआ है, नल पॉइंट इसका बीचों बीच है, और नल पॉइंट के दोनों तरफ आपकी करंट की रीडिंग यहां बनी हुई है। ये डायरेक्शन भी बताया जाता है करंट के फ्लो की, और साथ में ये आपको करंट का मैग्नीट्यूड भी बता देता है। ये फिगर ऑफ मेरिट इसके ऊपर लिखा हुआ है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, जितने भी डिवीजन तक, अगर यहां तक चला जाए पॉइंटर आपका, कहां तक चला जाए? अच्छा, मैं इधर माउस से आपको बता रहा हूं, अगर यहां चला जाए आपका 20 तक, यहां 20 तक, तो इसका मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 20 डिवीजन × 20 माइक्रो एम्पियर, 400 माइक्रो एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? और ध्यान रखिएगा क्या, कि एम्पियर मीटर के प्लस माइनस होते हैं, वोल्ट मीटर के प्लस माइनस होते हैं, जोड़ने के टाइम में ध्यान रखना होता है,
गैल्वेनोमीटर के प्लस माइनस नहीं होते, ये प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव जबरदस्ती में बना रखे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका